मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था। क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए भारत का नमो मंत्र। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पंचामृत फॉर्मूला। वैश्विक मंच पर फिर जमी भारत की धाक। वैश्विक मंच पर एक बार फिर नमो मंत्र गूंज सुनाई दी। मसला जलवायु परिवर्तन का था तो प्रधानमंत्री ने दुनिया को पुरजोर तरीके से ये बताया कि भारत किस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 को संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपने अलग अंदाज में दुनिया को ये बताया कि वो किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छ द्वम समद्वत्वम सम्वो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पेरिस सम्मेलन की याद दिलाई। इसमें उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भारत के लिए सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है जिसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया गया है। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुनिया को दिया लाइफ मंत्र। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को पंचामृत की सौगात भी दी। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।
हमारी धरती का भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस लें, इसके लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 26वां सम्मेलन हो रहा है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सम्मेलन में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था के अलावा अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इटली में G20 सम्मेलन पूरा होने के बाद जब पीएम मोदी ग्लासगो एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत स्कॉटलैंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र बैगपाइपर के संगीत के साथ हुआ। उनके स्वागत के लिए ग्लासगो में बसे भारतीय भी होटल में मौजूद थे। वहां मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। बारी बारी से पीएम मोदी सभी लोगों से मिले और इस दौरान भारतीयों की एक टोली ने पीएम मोदी को एक खास गाना समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 26 में ये साफ कर दिया कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन में पहुंच जाएगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा जो कि अपेक्षित था कि क्लाइमेट फंडिंग पर काम करना चाहिए, काम होना चाहिए और तभी न्याय होगा उन देशों के साथ जो विकासशील हैं, जिनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है अब तक क्लाइमेट चेंज की तरफ। जैसा भारत का उन्होंने कहा कि 70% दुनिया की आबादी होने के बाद भी 5% क्लाइमेट क्राइसिस में उनका योगदान है भारत का, तो अभी भी जो विकसित देश हैं उन पर बहुत ज़्यादा भार डाला जाना चाहिए। लवीना टंडन, ग्लासगो, आज तक।